सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। कल सुबह सुबह इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जाओगे, कुछ बात आपको बता दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला बात यह है कि इकोनॉमिक्स का कुछ पेपर में पूरा 40 मार्क्स अटेम्प्ट करके आइएगा, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। देखो, प्रॉमिस डे में प्रॉमिस करना होगा आपको कि आप पूरा 40 मार्क्स लिख के आइएगा, छोड़ के मत आना बाबू, प्लीज। कसम है आपको उनका मोहब्बत का, छोड़ के कोई मत आइएगा। क्यों? क्योंकि आप 40 मार्क्स का लिखिएगा ना, तो हार्ड टू हार्ड लोग 20 मार्क्स 22 मार्क्स आपको देंगे। मार्क्स बहुत कटता है इकोनॉमिक्स में। अगर आपको लगता हो कि भैया आप डरा रहे हैं, तो पूछ लीजिएगा किसी भी एक्सपर्ट से। दूसरा बात, इकोनॉमिक्स में एक जैसे आपने ISLM से रिलेटेड, एक ISLM को अच्छे से पढ़ा है, अब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो भाई ISLM वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत बना के लिख दीजिएगा, छोड़ के मत आइएगा, बार बार बोल रहे। दूसरा, टाइम को जरूर देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि लिखते लिखते टाइम ही खत्म हो जाए। और तीसरा, बुकिश लैंग्वेज को थोड़ा यूज करिएगा ज्यादा, और उसके बाद अपना लैंग्वेज यूज करिएगा, ठीक है। और पांचवा, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा हम गलत लिखने वाले हैं तो उसको मत लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं, इतना मतलब कि पूरा बना के लिखिएगा। एंड बाकी आई होप गाइज आप लोग जाएंगे, गर्दा उड़ा के आएंगे, पेपर पानी पानी कर देंगे। ऑल द बेस्ट।